क्या जो बता सकते क्या खाना सीखो सूफियत क्या है अल्लाह से बराह रास्त राबता और मकालमा और आखिर में अपनी ज़ात को उसकी ज़ात में ज़म करने का नज़रिया सूफियत कहलाता है। ऐसे अशख़ास सूफिया कहलाते हैं जो ये नज़रिया रखते हैं और फिर ऐसे ही अशख़ास मन तू शुदम तू मनशुदी यानी मैं तू हो गया और तू मैं हो गया ऐसे लग्व राग अलापते नज़र आते हैं। असल में तसव्वुफ़ के अज़ा क्या हैं? इसमें यूनानी फ़लसफ़ा के मज़ूमात हैं, यहूदियों के नज़रियात हैं, ईसाइयों के इंदियात हैं, हिंदुओं के खराफात हैं और जोगियों के रियाजियात हैं। अल्लामा इकबाल ने भी इकबाल नामा में लिखा है, इसमें ज़र्रा भी शक नहीं कि तसव्वुफ़ का वजूद इस्लाम में एक अजनबी पौधा है। इस तसव्वुफ़ की इमारत का संग बुनियाद वहदतुल वजूद बल्कि वहदतुल मौजूद या हमें उस्त यानी एक ही वजूद है कायनात में, वो है अल्लाह का। मेरा और आपका, किसी भी जानवर का, किसी भी मौजूद का कोई वजूद नहीं है, ये सब अल्लाह के हिस्से हैं। ऐसी काफिराना मुशरिकाना ये जो नज़रियात हैं, इस नज़रियात पर सूफियत की इमारत को उस्तवार किया गया है। अल्लामा निमतुल्ला जज़ायरी अपनी किताब अनवार नौमानिया में लिखते हैं के वफात नबी के बाद ख़ानदान रिसालत से ज़ाहरी इक्तदार छीनने के बाद बनी उमैया के दौर में इस खानवादा इस्मत व तहारत के रूहानी इक्तदार पर शब खून मारने की खातिर ज़ाहरी तौर पर नेक परहेजगार अच्छे लोगों का एक सोफ पोश गिरोह तैयार किया गया यानी ऊनी लिबास पहनने वाले लोग, इसे हुकूमती सरपरस्ती से नवाजा गया। ज़ाहरी तौर पर नेकोकार दुनिया से बेरगबती ज़ाहिर करते थे, इनकी खुद साख्ता कशफ व करामात का ढंडोरा पीटा गया ताकि आमतुन्नास को ख़ानदान नबूवत के दरवाज़ा से हटाया जाए और सूफियों के दरवाज़ा पर झुकाया जाए। यही वजह है कि आज भी अहले सुन्नत हजरात अक्सर दाढ़ी वाले शख्स को जो नमाज रोज़े का ज़ाहरी पाबंद हो उसको सूफी साहब कहते हुए आपको नज़र आएंगे। अल्लामा हाशिम मारूफ हसनी की किताब तसव्वुफ और फ़र्क के इफ्तिताहिया में यह हदीस हजरत मुकद्दस अर्दबेरी की किताब हदीकत शिया के हवाले से लिखी है कि फरमाया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने सब सूफिया हमारे दुश्मन हैं और इनका तरीक़ा हमारे तरीक़ा के बरअक्स है। आखिर में सूफियत के मुतालिक जनाब हाशिम मारूफ हसनी ने आइम्मा अहले बैत के अकवाल और उलमाए शिया के नज़रियात को जमा किया और लिखते हैं, हम अर्ज कर चुके हैं कि तसव्वुफ़ खालिसतन गैर इस्लामी और दरामद शुदा नज़रिया था जो दुनियाए इस्लाम में दाखिल हुआ
और अपनी इब्तिदा से लेकर आज तक सुन्नियों में राइज रहा है और तमाम मशायख अहले सुन्नत रहे हैं। शिया इलाके और शिया शेवख जो हैं इसके असरात से आज तक आज़ाद रहे हैं। आइम्मा अहले बैत और उलमाए शिया ने दूसरे गुलात और गुमराह फिरकों की तरह सूफिया की मजम्मत और इन लोगों को और लोगों को इनके शोबदों से दूर रहने की तलकीन की है। शेख अब्बास कुम्मी सफीनतुल बिहार में लिखते हैं, सूफिया की एक जमात खुरासान में इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुई और उसने आपके कीमती लिबास पर एतराज किया और कहा कि उम्मत की रहनुमाई के लिए ऐसे इमाम की जरूरत है जो साग पात खाता हो, मोटे झूठे कपड़े पहनता हो, गधे पर सवार होता हो, बीमारों की इजाजत करता हो और खुश्क जिंदगी बसर करता हो। हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने उस जमात सूफिया को जो जवाब दिया था उसका खुलासा यह है कि दीन को नापने का पैमाना अशियाए खुर्द नोश नहीं है। इमाम के लिए तकवा, अमल सहले, भलाई के काम, एलाए कलमतुल हक और जुल्म फसाद की मुखालफत करना जरूरी है। इस्लाम इंसान को खाने पीने की आज़ादी देता है। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रजा लिइबादिही वत्तय्यिबात मिन अर्रिज़्क़ कुल मिन कुल हिया लिल्लज़ीना आमनु फिल हयातिद दुनिया खालिसा। ए रसूल, आप कह दें कि खुदा इसकी जीनत को कि खुदा की इस जीनत को किसने हराम किया है जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा की है और पाकीज़ा रिज़्क को किसने हराम किया है। आप कह दें कि ये अहले ईमान के लिए खालिस है। यह सूरह आराफ की आयत नंबर 32 थी। हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से ये भी फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे और नबी के बेटे थे, मगर सुनहरी तारों से बने हुए दीबा लिबास पहनते थे और आले फिरौन के गांव तकियों पर बैठते थे। तुम पर अफसोस है, इमाम के लिए सदाकत और अदालत लाजमी है। इमाम वो है जो गुफ्तगू करे तो सच बोले और जब फैसला करे तो इंसाफ करे और जब वादा करे तो पूरा करे। मनकूल है कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी से फरमाया, आखिर ज़माना में ऐसे लोग पैदा होंगे जो सर्दी गर्मी में ऊन का लिबास पहनेंगे और समझेंगे कि इन्हें दूसरों पर बरतरी हासिल है। अल्लाह और ज़मीन व आसमान के फरिश्ते इन पर लानत करेंगे। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम से एक और रिवायत दिखते हैं, जिसके सामने सूफिया का जिक्र किया जाए और वह उन्हें अपने दिल और जुबान से बुरा न कहे, वो हम में से नहीं है, और जो उनका इनकार करे वो उस शख्स की मानिंद है जिसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफार और मुनाफिकीन से जिहाद किया हो। एक और रिवायत दिखते हैं, एक शख्स ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कहा कि आजकल सूफिया का जो गिरोह नमूदार हुआ है उसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो हमारे दुश्मन हैं, जो उनकी तरफ मायल हो वो भी उन्हीं में से है और कयामत के दिन उन्हीं के साथ मशहूर हो गया। अन करीब ऐसे लोग पैदा होंगे जो हमारी मोहब्बत का दावा करेंगे मगर सूफिया की तरफ मायल होंगे, उनकी शबाहत इख्तियार करेंगे, अपने आप को उनके अलकाब से मुलक्कब करेंगे और इनके अकवाल की तावीलें करेंगे। आगाह रहो, जो भी उनकी तरफ मायल होगा वो हम में से नहीं होगा और हम आले मोहम्मद उससे बेजार होंगे, और जो उनका इनकार उनकी तर्दीद करेगा वो उस शख्स की मानिंद होगा जिसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफार से जिहाद किया हो। शेख अली बिन बाबोया से रिवायत है, उन्होंने साद बिन अब्दुल्ला से, उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल जब्बार से, उन्होंने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अबू हाशिम कूफी के मुतालिक पूछा गया तो आपने फरमाया, वो बद मजहब है, उसने एक मजहब ईजाद किया है जिसे तसव्वुफ कहा जाता है और उसने अपने फासिद अकायद के लिए तसव्वुफ को कमीनगाह बनाया है।
एक और रिवायत में है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसने एक मजहब की बिना रखी है जिसे अपने और मुल्हिदीन के लिए कमीनगाह और बातिल अकायद के लिए ढाल बनाया है। सैयद मुर्तजा राजी ने अपनी सनद से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि आपने अबू हाशिम जाफरी से फरमाया, ए अबू हाशिम, अनकरीब ऐसा जमाना आने वाला है जब लोगों के चेहरे हशाश बशाश होंगे मगर दिल आलूदा और तारीख होंगे। इस जमाने में सुन्नत को बिदत और बिदत को सुन्नत समझा जाएगा, मोमिन को हकीर और फासिक को मुहतरम समझा जाएगा। उन लोगों पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत होंगे, उनके उलमा जालिम हुक्मरानों के दरबारों और ऐमानों में जाया करेंगे, उनके दौलतमंद गरीबों का इस्तेहसाल करेंगे, उनके छोटे बड़ों के आगे चलेंगे, उनमें के हर जाहिल को आलिम समझा जाएगा। वो शक करने वाले और अखलास रखने वाले में तमीज न करेंगे और भेड़ और भेड़िए के दरमियान फर्क नहीं करेंगे। उनके उलमा रूए जमीन के बदतरीन अफराद होंगे क्योंकि वो फलसफा और तसव्वुफ की तरफ मायल होंगे। खुदा की कसम, वो लोग ज्यादती और तहरीफ करने वाले होंगे। सैयद मुर्तजा राजी ने अपनी सनद से मोहम्मद बिन हुसैन अल खिताब से रिवायत की है कि उन्होंने कहा, मैं मस्जिद नबी में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के साथ बैठा हुआ था कि इतने में सूफिया की एक जमात मस्जिद में दाखिल हुई और हल्का बनाकर जोर जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह का विद करने लगी। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया कि तुम इन फरेबकारों की तरफ ध्यान न दो, ये शैतान के दोस्त और दीन की बुनियादों को तबाह करने वाले हैं। ये लोग अपने जिस्म को राहत पहुंचाने के लिए जोहद अख्तियार करते हैं और लोगों को शिकार करने के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं और लोगों को धोखा देने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हैं। ये लोगों के दिनों को अपनी तरफ मायल करने के लिए कलील गजा खाते हैं। ये लोगों से मोहब्बत भरी गुफ्तगू करते हैं, इन्हें शिकार करके अंधे कुएं में डाल देते हैं। रक्स और तालियां इनका विर्द हैं और तरन्नुम और गना उनका जिक्र है। उनकी पैरवी वही करते हैं जो बेवकूफ होते हैं और उनसे अकीदत वही रखते हैं जो अहमक होते हैं। और जो शख्स इनकी जिंदगी या मरने के बाद इनकी ज्यारत के लिए जाए वो ऐसा है गोया शैतान और बुतपरस्तों की ज्यारत के लिए गया है, और जो इनमें से किसी की मदद करे वो ऐसा है गोया उसने यजीद और अबू सुफियान की मदद की है। हाजरीन में से एक शख्स ने कहा, अगरचे वो आपके हुकूक का मोतरफी क्यों ना हो। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने खश्म की निगाहों से इसकी तरफ देखा और फरमाया, इस बात को रहने दो, जो हमारे हुकूक का मोतरफ होगा वो हमारी नाफरमानी के लिए कदम नहीं बढ़ाएगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये लोग गिरोह सूफिया में से सबसे ज्यादा खसीस हैं और तमाम सूफिया हमारे मुखालिफ हैं। उनका तरीका हमारे तरीके से अलग है। ये इस उम्मत के नसरानी और मजूसी हैं। ये लोग खुदा के नूर को बुझाने के दरपे हैं जबकि खुदा अपने नूर को जरूर पूरा करके रहेगा, अगरचे काफिरों को ये बात नागवार ही क्यों ना गुजरे। इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जो शख्स भी तसव्वुफ का अकीदा रखता है वो या तो धोखा देना चाहता है या गुमराह है या फिर अहमक है। अलबत्ता अगर कोई शख्स तकिया के तौर पर अपना नाम सूफी रखे तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि नाम ही पर इक्तफा करे और इनके बातिल अकायद का प्रचार न करे। कोई फिरका नहीं होता, इल्म का कोई मजहब नहीं होता, इल्म बेकरार है, लामहदूद कमाल है, एक लामुतनाही सिलसिला है जिसकी कोई हद नहीं है। तो आप समझे, आप इल्म के दरवाजे पे आए, अपने शऊर के दरवाजे पे आए, अपने अपने खुदा और अपने अपने मजहब को दूर छोड़कर मजहब की गंदी झुकियां उतार कर इंसानियत के दर में था।
انسانیت کو سمجھیں گے تو سرکار حداد منصور سمجھ پائے اور مسلمان کے اندر کام کیا کیونکہ حداد منصور کو شیعہ سنی مولویوں نے متحدہ مجلس عمل بنا کر صلیب پر لٹکا دیا تھا اور کلندر جو ہے وہ خواجہ منصور کا یار ہے تم یار خواجہ منصور ہو تختہ دار میرا یار خواجہ منصور ہے وہ کسی مذہبی آدمی تو سرکار حداد منصور سمجھ پائے اور مسلمان کے اندر کام کیا کیونکہ حداد منصور کو شیعہ سنی مولویوں نے متحدہ مجلس عمل بنا کر صلیب پہ لٹکا دیا تھا اور کلندر جو ہے وہ خواجہ منصور کا یار ہے تم یار خواجہ منصور ہو تختہ دار میرا تو یار خواجہ منصور ہے وہ کسی مذہبی آدمی کا کام کیا ہے یہاں تو انسانیت کی بات ہے تو آپ سوالات کیجیے گا پہلے کلندر کی بارگاہ میں چلیں گے